नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिप फोल्डर के बारे में। आप जो है जिप फोल्डर जो है उसको ओपन नहीं कर पाते हो, और जिप फाइल जो है जिप ओपनर वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है। ये देखिए हमारे सामने जो अभी है इसमें जिप जो ओपनर है वो इंस्टॉल है, लेकिन हम इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी ओपन नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर सारा का सारा बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो इस प्रकार से हम अभी कोशिश करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी फाइल है। देखिए 987 KB की फाइल है, लेकिन फिर भी ये ओपन नहीं हो रही है। और जब तक ओपन नहीं होगी तब तक इसके अंदर जो भी मैटर है उसको हम काम नहीं ले पाएंगे। तो सही प्रकार से हम उस चीज़ को काम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम देखिए अभी कोशिश करते हैं, विनजिप पे जाते हैं और इसको अनजिप करने की कोशिश करते हैं। नहीं हो रही है, हमारे सामने पॉपअप जो है वो खुल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वो जो ट्रिक है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो हम अभी हमारा जो कंट्रोल पैनल है इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है विन आर ए आर फाइल जो है इसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको अनइंस्टॉल होने देना है, इतना टाइम लेता है, इसको लेने दो पूरा का पूरा। और ये जो फाइल है इसको अनइंस्टॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर जब अनइंस्टॉल हो जाएगा तो जितनी भी फाइलों के अंदर ये मर्ज था वो सारा का सारा वहाँ से हट जाएगा। अब हम वापस से ट्राई करते हैं। देखिए वो फाइल जो है विन आर ए आर वाला हट गया। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कॉल के क्लिक करते हैं और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी देखिए होता है या नहीं होता है, देखिए हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हो। थैंक यू।